शिवपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 14 लूटों का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 8 लाख का मशरूम का भी बरामद किया है। 6 नवंबर 2022 को फरियादी सुभाष गुर्जर पुत्र मेहताब गुर्जर 19 वर्ष निवासी ग्राम दुमदुमा थाना करेरा ने चौकी सुनारी पर एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें MPDV के एक्ट कायम कर विवेचना में लिया था। उक्त घटना को शिवपुरी SP राजेश चंदेल ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार के निर्देश दिए थे और विशेष पुलिस टीम गठन किया था। वहीं इस घटना में दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के सहयोग से पुलिस टीम ने वारदात की पतारसी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सफलता हमको अंतर्राज्यीय लूट गिरोह पकड़ने में मिली है, जिसमें हमारे शिवपुरी में पिछले साल भर से केवल 14 लूटों का खुलासा हुआ है, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग थाना क्षेत्रों में किए। मूलतः करेरा थाना, करेरा सब डिवीजन में और पिछोड़ सब डिवीजन में ज़्यादा वारदातें हुई, लेकिन कोलारस और शिवपुरी सब डिवीजन की भी वारदातें हैं हमारे। इसमें अभी जब 5 तारीख को एक आखिरी लूट हुई थी, उसके बाद से हम लोगों को कुछ क्लू लगा था इस बारे में। उसके बारे में लगातार हमारे एडिशनल सी प्रवीण भुड़िया, SDP संजय चतुर्वेदी, TI सतीश चौहान और हमारे थाना प्रभारी अमोला संतोष भार्गव कुछ जानकारी निकाले और उसके बाद लगातार उस पर लगे रहे। इसमें कल हमको देखने मिला, जो हमको इनके बारे में सूचना मिली कि ये संदिग्ध हालत में 3 बदमाश जो आइडेंटिफाई अलग अलग तरीकों से हो रहे थे कि वारदातों में है, नीचे कर ले, वो है, तो उसको पकड़ा गया और उसके बाद में 3 और आरोपी पकड़े गए। इनसे करीबन 8 लाख का सोने चांदी का सामान मिला है और इनमें से 2 व्यक्ति झांसी के हैं, 4 लोग दतिया के हैं। टोटल आरोपी कितने हैं सर? टोटल आरोपी कुल अभी 6 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनमें 1 या 2 आरोपी दूसरी लूट कुछ लूटों में अलग 1-2 लोग भी आए सर, इसमें महिला भी है। और इसमें अभी हम लोगों को 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 1 मोटरसाइकिल जो घटना लूटों में जो माल मिला है उसको बेच के खरीदी गई थी, वो पकड़ने में सफलता मिली। 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात हैं और इस पूरी कार्रवाई में लगातार ये हमारे पुलिस टीम ने अच्छा काम किया। ये सामान्यतः करते ये थे कि ज़्यादातर इनके लूट के जो टारगेट रहता था वो महिलाएं जो पीछे किसी की गाड़ी में बैठी हैं, तो वो कट्टा दिखाते थे और उसके जेवर उतरवा लेते थे, क्योंकि उनको रहता था कि जेवर तो मिल ही जाएंगे महिला है तो, और सामान्यतः सुनसान जगह की तलाश करते थे जहाँ पर मिल जाए। उसके बाद चोरी में चोरी की गई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपराधों में करते थे, ताकि अगर कोई बात है तो वो मोटरसाइकिल भी 2 और 3 स्पॉटों पर हमको चिन्हित हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोरी की मोटरसाइकिलें थी, तो उनको फिर निकालने में पुलिस को दिक्कत आती। लेकिन जब ये पूरी टीम बनाई गई थी एडिशनल SP के नेतृत्व में, तो लगातार काम किया। इसमें संतोष भार्गव का मुख्य सूचना एक मिली थी, जिसके बाद उसको डेवलप किया और हमारे थाना प्रभारी जो सुरवाया है रामेन चौहान, इनके साथ में अरविंद चौहान जो बैराड़ के हैं, और सतीश जैन धन्ना चौकी प्रभारी, अंशुल गुप्ता खोड़ चौकी प्रभारी, हिम्मतपुर के हमारे चौकी प्रभारी जो हैं नितिन भार्गव, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, उनकी टीम ने मेहनत करी है, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ये हमको अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ने में सफलता मिली। इसमें एक कट्टा भी हमने जो घटनाओं प्रयुक्त करते थे ये, उसको भी बरामद किया है और बाकी लोगों से पूछताछ और कर रहे हैं। अभी हमको इसमें दतिया पुलिस का, विशेषकर उनके SP अमन सिंह राठौर और उनके जिगना थाना प्रभारी ने भी लगातार हमको मदद करी इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको पकड़वाने में, जो भी घेराबंदी थी उससे बड़ी स्ट्रेटेजिक और उनका भी रहा है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और दतिया की भी 2 लूट का ये बता रहे हैं, तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगी। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, और लूटें भी शायद उन्होंने की होंगी, झांसी से भी ऑपरेट करते थे, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई। सर इनसे कोई गहने वगैरह बरामद हुए? गहने वगैरह करीबन 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात मिले। सर आरोपियों में पहले से भी कुछ मामले फिर कर देते हैं? आरोपियों में 3 अब आरोपियों के ऊपर अपराध हैं पहले के, और वो इसीलिए अपना उनमें वही सरगना है इसके, जिनके जिनको पहले से आदत थी, तो वो अपना थाना छोड़ के दूसरी थानों में वारदात कर रहे थे और जानबूझ के अपना जिला भी छोड़ रहे थे। जी थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।